सभी प्रेम से बोले ओम शांति। जगत नियता की सर्वोच्च रचना, सम्माननीय मंच, सभा में बैठे हुए सभी भाई और बहनें, आज का विषय समय के अनुसार काफी महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस विषय को मैं अपनी भाषा में कहूं, आध्यात्मिक मेधा बनाम कृत्रिम मेधा। कृत्रिम शब्द अपने आप में ही उजागर कर देता है, कृत्रिम कृत्रिम रहता है, जड़ जड़ रहता है, मानव मानव रहता है। ये ठीक है, तकनीकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने काफी विकास किया है और उसका प्रयोग भी जरूरी है, समय के अनुसार प्रयोग करना अच्छी बात है, लेकिन उपयोग की बजाय मानव स्वयं उसका उपयोग बन जाए वो शायद उचित नहीं। हम चीजों को उपयोग करें वो ठीक है, चीजें मुझे उपयोग करने लग जाएं, मेरी शक्ति समाप्त हो जाए वो शायद ठीक नहीं, और यही खतरा मानव पर मंडरा रहा है। आज के अस्तित्व पर कहें, मानव के अस्तित्व पर कहें, एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीजों का उपयोग करना ठीक है, आज बाजार से कुछ खरीदारी करनी है, ऑनलाइन हमारा कितना समय चला जाता है, हम अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करते हैं, लेकिन बहुमूल्य समय मेरा इस्तेमाल हो अपनी शक्ति को जागृत करने में, ये मुझे समझना है। और आध्यात्मिक मेधा अपनी शक्ति को जो हमें विरासत में मिली है, मानव होने के नाते मानव को सर्वोच्च कहा है, उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है आंतरिक मानसिक अंतर के मूल्य जो जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अगर कोई मुझे जोक सुनाए, आप मुझे जोक सुनाते हैं, एक बार तो हो सकता है बहुत अच्छा लगे और मुझे हंसी आ जाए, लेकिन अगर आप बार बार रिपीट करें तो, वही चीज आप बार बार दोहराएं तो शायद वो स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जोक कहेंगे वो उसी लेवल पर ठहाके लगाएगा और हर बार उसी लेवल पर चलेगा, कहीं अंतर नहीं। आध्यात्मिक मूल्य हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, समझने की शक्ति देते हैं, रियल सेंस में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, व्यक्ति को एक दूसरे की सुनने की क्षमता प्रदान होती है, हम एक दूसरे के भावों को समझ सकें, एक दूसरे को सुन सकें और उन भावों को समझ करके कार्य कर सकें, उसमें अंतर महसूस कर सकें। लेकिन आर्टिफिशियल, वो कहते हैं एक ही लाठी से सबको नहीं चलाना चाहिए, वो तो क्या करेगा, समझ रहे हैं, एक ही लाठी से हम सबको हांक नहीं सकते, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वही करेगा, क्योंकि है ही वो कृत्रिम। आध्यात्मिकता की मेधा अर्थात आत्मिक मेधा को बढ़ाने की जरूरत है, और आत्मिक मेधा ही खुशी लाती है। मनुष्य को खुशी चाहिए, मनुष्य को शक्ति चाहिए, और वो आत्मिक मेधा प्रदान करती है, और आत्मिक मेधा को जागृत करने के लिए हमें पुनः पुनः परमात्मा के ध्यान को, उस ध्यान की ओर अपने आप को बढ़ाना होगा। अगर दुनिया की बात करती हूँ, जनरल भाषा का इस्तेमाल करती हूँ, तो प्रार्थनाओं को स्थान देना होगा, दुआओं को स्थान देना होगा। हम दुआओं से एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाते हैं। आज हमारे घर में एक छोटा बच्चा भी है, हम उसको बहुत प्यार से दुआ देते हैं, हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुम आगे बढ़ो। क्या मशीन आपको ये दुआ देगा? तो ये आत्मिक दुआएं, आत्मिक मेधा,
इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, उससे परम शक्ति से संबंध स्थापित करने की जरूरत है। परम शक्ति से संबंध स्थापित करना यानी अपने अंतर की शक्ति को जागृत करना। बात अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी, मन की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, व्यवहार में आने की शक्ति। कहते हैं मनुष्य बने हो, सोचना तो सीख लिया, लेकिन सोचना क्या है ये आध्यात्मिकता सिखाती है। माने बोलना तो सिखाया, लेकिन बोलना क्या है ये मशीन नहीं सिखाता। चलना तो हम सीखे, लेकिन किन राहों पर चलना है ये आध्यात्मिकता देती है। मैं शांत चित, प्रसन्न चित, प्रभु दुआओं से सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं सर्व प्रभु द्वारा प्राप्त शक्तियों का अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये सर्व शक्तियां सहन शक्ति, आंतरिक मानसिक शक्ति, सुनने की शक्ति, एक दूसरे को सम्मान देने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये अनेकानेक शक्तियां मुझे और चारों तरफ समाज को, प्रकृति को, सबको सुंदर बनाने में मदद कर रही है। प्रकृति भी सुंदर, श्रेष्ठ, मानव जीवन भी खुशहाल, यही दुआएं, परमात्म दुआएं मेरे जीवन और सबके जीवन में फैल रही है। रिलैक्स। इस तरह अगर अपनी शक्ति को जागृत करें तो मैं समझती हूँ हम टेक्नोलॉजी का उपयोग भी सही कर पाएंगे और अपनी आत्मशक्ति को भी बढ़ा पाएंगे। ओम शांति।